हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर विनीता एम चौधरी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वेस्टर्न फिलॉसफी का एक वाद आदर्शवाद लेकर आई हूँ। आज हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। आइडियलिज्म कहते हैं जिसको इंग्लिश में आइडियल यानी कि आदर्श। आइडियलिज्म मोस्ट एंशियंट आइडियोलॉजी है वेस्टर्न फिलॉसफी की, पश्चिमी दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। आइडियलिज्म इज इक्वल टू आइडिया प्लस इज्म। आइडिया यानी कि विचार, आदर्शवाद विचार प्लस वाद से बना है, यानी कि आदर्शवाद का मुख्य तत्व विचार है। आदर्शवाद को आइडियाइज्म कहा जाता है, परंतु टंग ट्विस्ट ना हो इसलिए इसको आइडियलिज्म कहा जाने लगा। लेकिन यह भी एक सच है कि आइडियलिज्म में आदर्श को, नैतिकता को माना गया है, इसलिए इसको यह नाम भी मान्यता प्राप्त है, इस नाम को भी आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। परंतु वास्तव में प्लेटो के द्वारा दिया गया आदर्शवाद आइडियाइज्म यानी विचारों का वाद है। इसको प्रत्ययवाद या सफिक्सिज्म भी कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ है कॉन्सेप्ट या विचार। इस प्रकार आइडियलिज्म आइडियाइज्म है, विचारवाद है, और सफिक्सिज्म या प्रत्ययवाद है जिसका अर्थ है कि कॉन्सेप्ट या आइडियाज पर बेस्ड दर्शन। डियर स्टूडेंट्स, आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई, जिसका अर्थ है अंतिम वास्तविकता या विचारवाद। विचारवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं। प्लेटो का कहना है कि समस्त संसार नष्ट हो जाता है, परंतु एक विचार है जो सदैव जीवित रहता है। इसी आदर्शवाद को भारतीय दर्शन में परिभाषित किया गया है ये कहकर, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं उसे दर्शन कहते हैं। एंडरसन के अनुसार हम एक परिभाषा ले लेते हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने असीमित मानस से यानी माइंड से प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं, यानी कि बोथ द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये संसार जो है ये विचारों का संसार है, इसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी फिजिकल दिखाई दे रहा है उस पर आइडियलिज्म विश्वास नहीं करता। आइडियलिज्म एम्फेसाइजेस द स्पिरिचुअल साइड ऑफ मैन, मनुष्य की आध्यात्मिकता पर बल देता है, और कारण साफ है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके बाद अब हम इसके एक्सपर्ट देखते हैं, यानी कि प्रतिपादक। सबसे पहले सुकरात को इसका प्रतिपादक माना जाता है। सुकरात सोक्रेट्स, जो कि प्लेटो के गुरु थे। ही वॉज अ ह्यूजली इम्पॉर्टेंट ग्रीक फिलोसोफर। ही वॉज मोर कंसर्न्ड विद हाउ पीपल शुड बिहेव, एंड सो वॉज परहैप्स द फर्स्ट मेजर फिलोसोफर ऑफ एथिक्स। सुकरात ये बात को क्लियर करते थे कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, और इसीलिए वो एथिक्स के, नैतिकता के पहले प्रमुख दार्शनिक थे। दूसरा है प्लेटो। प्लेटो अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ दिस व्यू वाज प्लेटो अ फिलोसोफर इन एंशियंट ग्रीक। प्लेटो बिलीव्ड दैट द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस is not real, it is constantly changing. प्लेटो को आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सुकरात के जो विचार थे वो उनके शिष्य प्लेटो ने भी ग्रहण किए थे, और प्लेटो ने उन विचारों को
बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया था, इसलिए प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। प्लेटो के अनुसार मन और आत्मा का ज्ञान केवल विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने भौतिक जगत को, इस जगत के पदार्थों को, इस जगत की वस्तुओं को, इनको अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना। उन्होंने महत्वपूर्ण किसको माना? उन्होंने महत्वपूर्ण माना भाव जगत को, विचारों को। वो कहते हैं कि वस्तु या पदार्थ असत्य हैं। वजह यह है कि वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन केवल विचार ही हैं जो कि सत्य हैं, और इन्हीं विचारों में संसार के समस्त तत्व निहित हैं। यही वो तत्व हैं जिनके द्वारा इस विश्व को रूप या फॉर्म की प्राप्ति होती है। तो प्लेटो के अनुसार जिस तरह से इंडियन फिलॉसफी में ब्रह्म को माना जाता है कि ब्रह्म के द्वारा यह संसार निर्मित हुआ, उसी प्रकार प्लेटो ये कहते हैं कि विचार के द्वारा ये संसार निर्मित हुआ, क्योंकि वो विचार ही हैं जो कि हमको ये जो जगत है इसका दर्शन करा रहे हैं। जिस प्रकार से एक स्टेज पर अगर कोई नाटक होता है तो वो विचारों की अभिव्यक्ति है जो हमको दिखाई देती है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड विचारों की अभिव्यक्ति है जो हमको दिखाई देता है, इसलिए ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो केवल विचार है। इसके बाद तीसरे आते हैं डिस्कार्टिस, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिक्टे, शेलिंग, हेगल, शोपनावर, टीएच ग्रीन, जेंटाइल, फ्रोबल, ये सब जो हैं ये सब वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, आदर्शवाद के एक्सपोनेंट्स हैं, प्रतिपादक हैं। इनके अलावा कुछ इंडियन फिलोसोफर्स भी हैं जो कि आदर्शवादी हैं, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि आदर्शवाद वो वाद है जो कि भारतीय दर्शन के बहुत अधिक समीप है। तो इंडियन फिलोसफी में आदर्शवादी माना जाता है स्वामी दयानंद को, आर एन टैगोर को, महात्मा गांधी को, अरबिंदो को और विवेकानंद आदि को आदर्शवादी माना जाता है। अब आदर्शवाद की मुख्य बातों को जान, हमको आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांत या मौलिक सिद्धांतों को देखना होगा। आदर्शवाद आदर्शों की व्याख्या तो करता ही है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये नैतिकता पर आधारित है, इसलिए इसका मुख्य विषय तो ये आदर्शों की व्याख्या तो करता है, लेकिन मुख्य विषय आदर्श नहीं है। इसका मुख्य विषय विचार है, आइडियाज हैं, जिसके नाम पर इसका नाम आइडियाइज्म कहलाता है। इसमें सबसे पहला जो इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर इज अनट्रू, पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है, पदार्थ का प्रत्यय या पदार्थ का आइडिया वास्तविक है, पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। दूसरी चीज वो कहते हैं देयर इज सम मेंटल ट्रुथ बिहाइंड दिस क्रिएशन, इस सृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है। वस्तुतः सृष्टि वैचारिक और मानसिक ही है, इसका बाह्य रूप तो केवल कल्पना है। और जो अंतिम सत्य है, मानसिक सत्य या विचार, उसी को वो वास्तविक शिव मानते हैं। अन्य भौतिक पदार्थों को उनके अंदर शिव को देखना यानी कल्याण को देखना केवल भ्रम है, और जो सत्य है शिव है वो ही वास्तव में सुंदर भी है, अर्थात विचार। संसार के भौतिक पदार्थों में सुंदरता का आभास है, अतः उनके अंदर मोह रखना बेकार है। आदर्शवाद की आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम की यही व्याख्या है। अचीवमेंट ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम इज असेंशियल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसा वो कहते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। आत्मानुभूति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों तथा सत्यों को प्राप्त करना है। और आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं?
सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन इनके आध्यात्मिक मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनको कि जीवन का लक्ष्य है प्राप्त करने का। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य सदैव अमर हैं। जो मनुष्य इन मूल्यों को जान लेता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मूल्य हैं, जो मनुष्य इन मूल्यों को जान लेता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इन मूल्यों को प्राप्त करना ही ईश्वर की प्राप्ति है। अतः मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करना है। आदर्शवादियों का ये विश्वास है कि ये तीनों मूल्य एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन तीनों मूल्यों को अलग अलग ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ प्राप्त कर लेंगे। केवल सत्य को प्राप्त करके शिव को और सौंदर्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये निश्चित है कि इनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए मन की तीन क्रियाओं की सहायता की आवश्यकता होती है। नंबर एक ज्ञान यानी नॉलेज, नंबर दो इच्छा का अनुभव यानी एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर, और एफर्ट या चेष्टा। ज्ञान के द्वारा सत्य को, ज्ञान के द्वारा सत्य को, और ज्ञान के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सत्य को प्राप्त कर रहे हैं। इच्छा के द्वारा सौंदर्य को प्राप्त कर रहे हैं, और प्रयत्न के द्वारा, चेष्टा के द्वारा हम शिवम को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा सत्य को, इच्छा के द्वारा सौंदर्य को, और चेष्टा के द्वारा प्रयत्न को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों को, सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करके सत्य को सत्य के लिए, शिव को शिव के लिए, और सुंदर को सुंदर के लिए अपने जीवन में ढालना चाहिए। फिर वो कहते हैं, आइडिया एंड माइंड आर ट्रूथ। भौतिक जगत नश्वर है, द फिजिकल वर्ल्ड इज मॉर्टल, जबकि सत्य को स्थायी और परिवर्तनशील होना चाहिए। सत्य को स्थायी और अपरिवर्तनशील होना चाहिए। इसलिए आदर्शवाद के अनुसार विचार और मानसिक क्रिया सत्य हैं, यानी कि आइडिया एंड माइंड आर ट्रूथ। मन और पदार्थ माइंड एंड मैटर अलग हैं। मन पर नैतिकता और आदर्शों का प्रभाव पड़ता है, पदार्थ पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मन जो है, माइंड इज कॉन्शियस एंड मैटर इज इनर्ट। मन चेतन है और पदार्थ जड़ है। इसलिए मन पर नैतिकता और आदर्शों का प्रभाव पड़ता है, जबकि पदार्थ क्योंकि इनर्ट है, जड़ है, निश्चेतन है, इसलिए उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी आधार पर बॉडी इज मॉर्टल एंड सोल इज इमॉर्टल, शरीर नश्वर और आत्मा अनश्वर है, इसलिए यह भी सत्य है। द अल्टीमेट गोल ऑफ डेवलपमेंट इज द अटेनमेंट ऑफ द सोल, विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है। आदर्शवाद विकास में विश्वास करता है, किंतु उसका विकासवाद प्रकृतिवादी विकासवाद से बहुत अलग है। आदर्शवाद के अनुसार तो विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मा को प्राप्त करना, जबकि प्रकृतिवाद में निचले स्तर से ऊंचे के स्तर के प्राणी में विकास करना होता है। तो इसलिए विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है। कंटेम्पलेशन एंड इंसाइट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। रूमिनेशन एंड कंटेम्पलेशन एंड इंसाइट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। चिंतन, मनन और अंतर्दृष्टि ही आदर्शवादियों के अनुसार अंतिम सत्य है, क्योंकि इंद्रियों की अपेक्षा, इंद्रियां यानी हमारी सेंसेस जो है 5, उनकी अपेक्षा मस्तिष्क या माइंड ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारात्मक सत्ता का ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं है। इंद्रियों से तो हम वो देख सकते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन विचारों को हम इंद्रियों से नहीं देख सकते। इसलिए अंतिम सत्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये ज्ञान तर्क जन्य है, चिंतन, मनन और अंतर्दृष्टि का परिणाम है, जो कि
इंद्रियों के द्वारा संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं, विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय साइंस इज इनकम्प्लीट। वास्तविक ज्ञान तो व्यक्ति के अपने प्रयासों का परिणाम है। आगे हम देखते हैं और भी इसके मौलिक सिद्धांत, फिर देखते हैं कि राइटियसनेस एंड मोरालिटी सपोर्ट, आदर्शवाद धार्मिकता और नैतिकता का समर्थन करता है, सपोर्टेड रिलीजियसिटी एंड मोरालिटी। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, नेचर इट्सेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन सम ट्रूथ, स्वयं किसी सत्य पर आश्रित है, अतः प्रकृति का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष में मौलिक भेद बताया गया है, तो प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि ये तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, जो दिखाई देती है फिजिकल चीजें उनको ये मानते ही नहीं है। इसके अलावा अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल, आदर्शवाद सृष्टि के आध्यात्मिक पहलू पर बल देता है, प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा आध्यात्मिक वातावरण को ही वो अधिक महत्वपूर्ण मानता है। आदर्शवाद व्यक्ति और सृष्टि पर इसी दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। आदर्शवाद इज अ फिलोसफी ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी, अनेकता में एकता का दर्शन है, क्योंकि सृष्टि के अनेक रूपों में केवल एक सत्य को देखना ही अनेकता में एकता का दर्शन है। इसके अलावा यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, संसार को ईश्वर के द्वारा निर्मित बताया गया है, जबकि वो विचारों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सा विद्या या विमुक्ते इज वेरी क्लोज टू इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन के बहुत अधिक समीप है। मोर इम्पोर्टेंट टू स्पिरिचुअलिटी, मोर इम्पोर्टेंस टू स्पिरिचुअलिटी, द आउटलुक इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मोर इम्पोर्टेंस टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की दुनिया के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इटर्नल वैल्यूज लाइक ट्रूथ गुडनेस एंड ब्यूटी आर पेरेनियल एंड नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, सत्य जो है वो भलाई और सुंदरता जैसे शाश्वत मूल्यों के कारण है, ये किसी परिवर्तन के अधीन नहीं है। स्पिरिचुअल लॉज आर यूनिवर्सल, आध्यात्मिक जो नियम है वो सार्वभौमिक है। वैल्यूज आर प्री डिटर्मिंड, मूल्य पूर्व निर्धारित है, इट इज अ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, यह एक अद्वैतवादी अवधारणा है। अद्वैत या मोनिस्टिक का अर्थ है केवल एक को मानने वाला, यानी कि विचारों को मानने वाली अवधारणा है। इट इज अ साइकोसेंट्रिक, ये मनोकेंद्रित, जिसके केंद्र में मन हो, ऐसी वास्तविकता है, ऐसा आदर्शवाद है। सो द की प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द बेस्ट, सोल इज द स्पिरिचुअल फैक्टर एंड गॉड इज द सुप्रीम सोल, ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है, आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है, आध्यात्मिक तत्व आत्मा है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। इसके बाद अब हम अगले प्रिंसिपल्स और देखते हैं आगे, कि इटर्नल वैल्यूज जो है वो सत्य भलाई और सुंदरता है, इसका है हमारा सब्जेक्ट मैटर और ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, विषय या दर्शन की शाखाएं। द मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी आर डिवाइडेड एज टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन ईच एरिया, दर्शन की मुख्य शाखाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार विभाजित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली दर्शन की शाखा होती है मेटाफिजिक्स या तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा
इसके अंदर हम सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि किस दर्शन ने किस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के नश्वर होने की, अनश्वर होने की, ब्रह्मांड असीम है कि अनंत है, इस प्रकार के तत्वों पर विचार करते हैं दर्शन की तत्व मीमांसा की शाखा में। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, दूसरी शाखा होती है ज्ञान मीमांसा। इसके अंतर्गत किसी भी दर्शन के तर्क, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, सत्य और असत्य और संदेह के ऊपर उन्होंने किस प्रकार के पुष्टि की है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो सब एपिस्टेमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत आता है। जिस दर्शन की भी हम बात करते हैं उस दर्शन की ज्ञान मीमांसा को जानने के लिए हम उसका लॉजिक देखते हैं, उसकी नॉलेज देखते हैं, उसके ट्रुथ अनट्रुथ और सस्पिशन देखते हैं। तीसरी चीज है एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी दर्शन के एनालिसिस ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, द एनालिसिस ऑफ रियल ब्यूटी, एस्थेटिक्स एंड एथिक्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। यानी कि मूल्य मीमांसा में हम किसी भी दर्शन के मूल्यों की, वैल्यूज की, ब्यूटी की, एस्थेटिक्स की, एथिक्स की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दर्शन में हम उसकी तीन शाखाओं के बारे में जरूर पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, किन तत्वों से वो दर्शन बना, उस एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, किस प्रकार का ज्ञान दिया उस दर्शन ने, और एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा कि उस दर्शन की क्या एक्सियोलॉजी है, क्या एथिक्स है, एस्थेटिक्स है, ब्यूटी है। अब हम सबसे पहले करते हैं आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के समर्थक यूं तो अलग अलग विचार रखते हैं पर वो दो बातों पर एकमत है। नंबर एक, गॉड इज द क्रिएटर एंड फाइनल ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स, ईश्वर सृष्टि का कर्ता और अंतिम सत्य है। और दूसरी चीज वो कहते हैं द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिवाइन सोल, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना एंड टू फॉलो इट्स रूल्स, आइडियल्स एंड मॉरल वैल्यूज, इसके नियम, आदर्श और नैतिक मूल्यों का पालन करना है। इस तरह आदर्शवाद के तत्व मीमांसा के आधार पर आदर्शवाद के पाश्चात्य विचारकों के विभिन्न विभिन्न सिद्धांत सामने आते हैं, जिनमें पहला है मॉरल आइडियलिज्म यानी नैतिक आदर्शवाद जो कि प्लेटो ने दिया, दूसरा है अनेकेश्वर आइडियलिज्म जो कि लिबनीज ने दिया, तीसरा है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म यानी कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद जो कि बर्कले ने दिया, और ड्यूअलिस्टिक या एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो कि हेगल ने दिया। अब हम इसकी ज्ञान मीमांसा देखते हैं। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा यानी कि आइडियोलॉजी अबाउट आइडियलिज्म या एपिस्टेमोलॉजी, विचारों की दैवीय व्यवस्था, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना, इस आदर्शवाद का सच्चा ज्ञान है। नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ थॉट, ज्ञान ही विचार के स्वरूप में हमें प्राप्त होता है, और अकॉर्डिंग टू प्लेटो द बेसिस ऑफ नॉलेज इज डिस्क्रिशन प्रूडेंस, प्लेटो के अनुसार ज्ञान का आधार विवेक है, जबकि बर्कले के अनुसार बेसिस ऑफ नॉलेज इज सोल, ज्ञान का आधार आत्मा है, और कांट कहते हैं कि ज्ञान का आधार बुद्धि है। इस प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से आदर्शवाद की व्याख्या करते हैं। आदर्शवाद की आचार मीमांसा आइडियोलॉजी ऑफ एथिक्स एक्सियोलॉजी, यानी हम आचार मीमांसा या एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा में एथिक्स देखते हैं, एक्सियोलॉजी देखते हैं। तो
आदर्शवाद के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा है। इसकी प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन यानी मॉरल लाइफ की आवश्यकता है। नैतिक जीवन जीने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देने की आवश्यकता है, एम्फेसिस ऑन सत्यम शिवम सुंदरम। जबकि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए एम्फेसिस ऑन द वर्च्यूज ऑफ रिस्ट्रेंट यानी कंट्रोल, पेशेंस, जस्टिस एंड नॉलेज की आवश्यकता पर बल दिया। प्लेटो ने संयम, धैर्य, न्याय और ज्ञान के सद्गुणों को मनुष्य में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब हम फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म देख लेते हैं कि आदर्शवाद के विभिन्न रूप, क्योंकि आदर्शवाद में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के विचार आए, तो इसलिए आइडियलिज्म के बहुत सारे रूप बने, जिनमें से प्रथम है स्केप्टिक आइडियलिज्म यानी कि संशयवादी आदर्शवाद। इट स्टार्ट्स विद द थॉट दैट देयर इज नो प्रूफ दैट देयर आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ थॉट। संशयवादी आदर्शवाद कहते हैं इसको। इस विचार से ये शुरू होता है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विचार के बाहर कोई भौतिक वस्तुएं होती हैं। दूसरा है प्रॉब्लमेटिक आइडियलिज्म। इट इज द बिलीफ हेल्ड बाय डिस्कार्टे वेयर वी कैन ओनली होल्ड वन एम्पिरिकल ट्रूथ विच इज दैट आई एग्जिस्ट। समस्यात्मक आदर्शवाद को डिस्कार्टे द्वारा बताया गया, जहां पर कि वो कहते हैं कि हम केवल एक अनुभवजन्य सच्चाई को पकड़ सकते हैं, जो कि है आई एग्जिस्ट यानी कि मेरा अस्तित्व है। और तीसरा है डॉगमेटिक आइडियलिज्म यानी कि सिद्धांतवादी आदर्शवाद। इट स्टार्ट्स विद द अजम्पशन दैट देयर आर नो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ थॉट एंड द बिलीव दैट स्पेस इज एन इनसेपरेबल कंडीशन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड दैट दिस स्पेस इज कांट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ। दस इट ऑल्सो सेज दैट ऑल थिंग्स इन दिस स्पेस ऑल्सो कांट एग्जिस्ट एंड आर मेयरली इमेजेस। ये सिद्धांतवादी आदर्शवाद है, जो कि कह रहा है कि विचार के बाहर कोई भौतिक वस्तु नहीं है और ये विश्वास कि अंतरिक्ष सभी वस्तुओं के लिए एक स्थिति है, ये स्थान तो अपने आप में मौजूद ही नहीं है, है ही नहीं स्पेस। तो इस प्रकार यह भी कहता है कि इस स्थान की सभी चीजें मौजूद नहीं हो सकती, ये केवल चित्र है, ये केवल विचार है। तो इस प्रकार आज हमने आदर्शवाद के दर्शन के बारे में पढ़ा। इस दर्शन को जानने के पश्चात अगली वीडियो में हम आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आदर्शवाद के बारे में ये सब कुछ दर्शन समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए शिक्षा और आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म एंड एजुकेशन का पार्ट लेकर आऊंगी, क्योंकि बीएड में हम फिलॉसफी इसलिए पढ़ते हैं कि उस फिलॉसफी का एजुकेशन में रोल क्या है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी दर्शन की फिलॉसफी या विचार क्या है और उस दर्शन को शिक्षा में किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में शिक्षा और आदर्शवाद के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।